फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी अपने बालों को लंबा, घना और सुंदर बनाना चाहते हैं? हर किसी का सपना होता है उसके बाल सुंदर हों, घने हों, लंबे हों और काले हों। सारी क्वालिटी उसके बालों में हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि जब हम केयर करते हैं अपने बालों की तभी ये हो पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना है। जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी उससे आपकी बालों की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। आज मैं बनाऊंगी हेयर मास्क अलसी और मेथी का। और इस हेयर मास्क को हर कोई लगा सकता है, लड़के लगा सकते हैं, लड़कियां लगा सकती हैं और इसे बच्चे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ही एकदम प्योर है। इसमें कुछ भी ऐसी केमिकल मिलावट नहीं है जो बच्चों को नुकसान पहुँचा सके। तो कैसे बनेगा हेयर मास्क, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया पैन और हम गैस को कर देते हैं। और मैं यहाँ ले रही हूँ 1 गिलास पानी। अगर आपके बाल लंबे हैं तो थोड़ा इस हेयर मास्क को ज़्यादा बना लीजिए और इसे थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं। तो इस मास्क के लिए हम ले रहे हैं अलसी के बीज यानी फ्लैक्सीड। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच फ्लैक्सीड लिए हैं और 2 चम्मच लिया है मेथी दाना। अलसी के बीजों में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, मिनरल्स, विटामिन्स, इतनी सारे चीज़ें होते हैं कि इसे हम खाएंगे तब भी हमारी बॉडी को फ़ायदा देगा और हम अपने बालों में लगाएंगे तब भी हमारी बॉडी को ये फ़ायदा देगा। और मेथी हमारे बालों के स्कैल्प को क्लीन करती है, जड़ों को मजबूत करती है, बालों की लंबाई बढ़ाती है, बालों को काला बनाती है, घना बनाती है, बालों को सिल्की शाइनी बनाती है। तो दोनों चीज़ों को लेके इसे तब तक हम बनाएंगे कि अलसी अपना जेल छोड़ जाए। तो इसे 5-10 मिनट पका लेते। तो ये देखिए हमारा पानी जेल फॉर्म में आ गया है और अलसी और मेथी की सारी गुडनेस इसमें आ गई है। तो ये देखिए ये इतना ठीक हो चुका है। गैस ऑन करते थे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी सी देर छोड़ देते हैं। ठंडा होने के लिए हम इसे पीसेंगे, हमें छानना नहीं है, इसे डायरेक्ट ऐसे ही ठंडा होने के बाद छान लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है। तो आप चाहें तो इसे बिना छाने भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा महीन पीस लीजिए और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच दही। दही डैंड्रफ को खत्म करेगी और बालों को मॉइस्चराइज करेगी। और जो मैं डालेंगे इसमें कोकोनट ऑयल। एक डालेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। तो अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि ये हेयर मास्क है, ज्यादा पतला हो जाएगा तो फिर ये थोड़ा सा टपकेगा, कड़ा कड़ा ही अच्छा लग पाएगा। और आपको लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा तो थोड़ी सी दही डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हेयर मास्क बनकर रेडी है। तो इस तरह से आप अपने पूरे बालों में लगा लीजिए। सबसे पहले जड़ में लगाएंगे। और इस हेयर मास्क को फ्रेंड्स हफ्ते में 2 बार लगा लीजिए। जब आपको लगे कि इस हेयर मास्क से आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसे और 2 हफ्ते लगाइए, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी रेमेडी यूज़ करो तो इसे कुछ दिन लगाओ, 15-20 दिन लगा के देखो, रिजल्ट मिलता है तो उसे कंटिन्यू करते रहो। और इसमें मेथी है तो मेथी से आप देखेंगे आपके बाल धोने के बाद इतने सिल्की हो जाएंगे कि कंडीशनर तो आप लगाना भूल ही जाओगे। तो जड़ों में लगाने के बाद पूरी लेंथ में लगा लीजिए इस तरह से। तो
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पूरे बालों में लग गया है और बालों को मैंने बांध लिया है। और इसे आपको 40 से 45 मिनट लगाना है। उसके लगाने के बाद आप किसी भी माइंड शैम्पू से वॉश कर लीजिए, जो भी आप पसंद करते हैं। और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट खुद दिखाऊंगी कि इसका क्या रिजल्ट आया और मेरे बालों में कितनी शाइन आई, क्योंकि अलसी है जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है और साथ ही साथ हमारे बालों को शाइनी भी करती है। मिलते हैं बाल धोने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाल धोने के बाद क्या रिजल्ट आया है। मेरे बाल कितने सिल्की लग रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल भी उलझ नहीं रहे। तो इस हेयर मास्क को आप भी ट्राई करिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।